कितने तक रहना चाहिए? कमर से नीचे नहीं दिखता। ये दिनांक 15/2/22 को पीड़िता के पिता ने पीएस कोतवाली में रिपोर्ट पेश कर बताया कि नाबालिग बेटी का अभियुक्त सोमेश्वर अपहरण कर उसके घर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उक्त मामले का अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश हुआ। उक्त मामले में 12 गवाह और 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 1,80,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।